जी गुरुजी को लख आदेश मां भगवती को लख आदेश राजीव वाले भैरव बाबा को लख आदेश आप सभी को आदेश आदेश ये मंत्र जो है साबर मंत्र इसको महा साबर बोलते हैं महा साबर बोलने का दो कारण है इस साबर मंत्र में दो विधानों की संयुक्ति है दो देवताओं की संयुक्ति है और जब दो विधान बोलते हैं तो दो विपरीत मार्गों की संयुक्ति है कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा सा साबर मंत्र है जिसका प्रयोग वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी दोनों करते हैं ये दोनों में उपयुक्त है और दूसरा कि दो महाशक्तियों का भी इसमें संयोजन है एक तो विघ्नहर्ता गणपति और दूसरा रुद्र अवतार हनुमान जी मतलब जीवन में कोई भी ऐसी बाधा हो चाहे वो बाधा विघ्न के रूप में हो आपके कार्य में विघ्न हो आपके संबंध में विघ्न हो आपके धन भाव में विघ्न हो उससे भी ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा और आपको अगर भूत प्रेत जादू टोना टोट का देवता तक से अगर सुरक्षा चाहिए तो हनुमान जी इस मंत्र में बैठे हुए हैं और वो आपको रक्षा देते हैं मजेदार बात यह है कि जो दक्षिण मार्गी है वो साबर का कम प्रयोग करते हैं वो संस्कृत साबर का ज्यादा प्रयोग करते हैं लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको उनकी पुस्तकों में भी मिल जाएगा मतलब गृहस्थ सुरक्षित हो करके जो गृहस्थ हैं वो ये इस मंत्र को करें सात दिन इस मंत्र को करना होता है एक एक माला जाप ठीक है एक मंगलवार से शुरू करेंगे अगले सोमवार को इस मंत्र को करना समाप्त कर देंगे उसके बाद इच्छा अगर है आपको तो आप जो है हर रोज एक माला या रक्षा के लिए बहुत बार सत्ताईस बार लोग जाप करते हैं तो सत्ताईस बार जाप करेंगे उतना में ही आपका जो है दिन भर का सुरक्षा होता रहेगा और जब आपको लगे कि विशेष सुरक्षा चाहिए तो इस मंत्र को पढ़ के बलि देते हैं ठीक है तो बलि जो है वो किसी जीव का बलि ना हो करके एक नींबू को ले लेते हैं उसको अपने चारों ओर सात बार घुमाते हैं ठीक है मंत्र पढ़ते हुए फिर उस नींबू को काट के पूरा निचोड़ देना चाहिए तो इसको एक तरीके का बलि मानते हैं तो आपके ऊपर अगर कोई भी प्रभाव हो या आपके आसपास कोई और व्यक्ति हो जिसको आपको प्रभाव मुक्त करना है तो इस मंत्र को पढ़ के आप उनको प्रभाव मुक्त कर देते हैं तो अब आते हैं सामग्री पर सबसे पहले ध्यान न भटके साधना में इसके लिए सामने चाहे तो गणपति और हनुमान वीर की तस्वीर रखेंगे या फिर अगर विग्रह है तो विग्रह रखेंगे जब आप विग्रह रखेंगे तो आपके बाई और गणपति और दाहिनी ओर हनुमान जी होने चाहिए ठीक है इसके बाद दोनों को वस्त्र देंगे तो पीला ही वस्त्र दोनों का रहेगा हालांकि हनुमान जी को लाल वस्त्र भी चढ़ता है लंगोट के रूप में लेकिन इस साधना में दोनों को पीला वस्त्र देंगे ठीक है भोग में हर रोज आपको दस लड्डू चाहिए होगा जिसमें पांच जो है बेसन के लड्डू रहेंगे जो गणपति के आगे लगेंगे और पांच जो है वो बूंदी के लड्डू रहेंगे जो हनुमान जी के सामने रहेंगे इसके अलावा कदली फल आप चढ़ा सकते हैं पान चढ़ा सकते हैं हाँ और आ, क्योंकि तांत्रिक पूजा है तो लौंग इलादी बोलते हैं कि जो पंच मेवा पान सुपाड़ी लौंग इलायची ऐसा मुखवास में अंत में दिया जाता है ठीक है तो ये देना चाहिए ये हो गया आपको भोग वस्त्र हो गया गणपति को पुष्प नहीं दे करके जो तीन पत्तों वाला दूब होगा वैसा सात दूब को बांध के मौली के धागा से रोज अर्पण करेंगे गणपति को कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं लाल के अलावा ठीक है अच्छा इसमें जो दीपक जलेगा रोज़ पांच दीपक जलेगा पांचों घी के दीपक होंगे ठीक है दिशा है आपका पूरब की ओर रहेगा क्योंकि जो साधना होगी वो सुबह होगी हाँ जो पहला कालखंड है उसी में आपको करना है छः से नौ बजे के बीच में उसके बाद नहीं करेंगे वस्त्र जो है उसमें कोशिश करना है कि सिले हुए कपड़े ना पहने पीले रंग के वस्त्र पहने और जो आपका आसन होगा वो कम्बल का आसन होगा ठीक है इतना बताने के बाद आ, एक चीज़ आपको और आवश्यकता पड़ेगी वो है हवन कुंड की क्योंकि इसमें जो जाप होता है जाप के साथ ही हवन चलता रहता है ठीक है इसीलिए मैंने कोई माला का वर्णन नहीं किया क्योंकि आप बाएं हाथ से जो है जाप करेंगे और दाहिने हाथ से हवन करते रहेंगे है ना बाएं हाथ का प्रयोजन तांत्रिक और अघोर सिद्धियों में होता है हवन कुंड लेंगे उसमें आम की समिधा जिसमें गाठ ना हो ऐसी और चरखुट पहले अपने दाएं हाथ से आ, उत्तर की तरफ फिर पूरब से पश्चिम की तरफ फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ फिर अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ इस तरीके से हवन कुंड को तैयार करेंगे पांच लेयर में ठीक है उसके बीच में एक लकड़ी रखेंगे उसके ऊपर आम का एक पत्ता रखेंगे उसके ऊपर कपूर रखेंगे घी रखेंगे और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 108 बार गिनती के साथ साथ गूगल और घी का मिश्रण रखेंगे ठीक है शुद्ध गूगल ले लेंगे उसको चूर लेंगे उसमें घी मिला देंगे हम्म, और थोड़ा थोड़ा करके 108 बार जो है उसकी आहुति देंगे तो मंत्र क्या है मंत्र तीन बार बोलूँगा ध्यान से सुनिएगा चंदा बांधो सूरज बांधो बांधो गंगा माई तैतीस कोटि के देवता बांधो हनुमंत की राम दुहाई मरघट का मसान बांधो मन चाहे लड्डू खाऊं, पूजा करूं गणेश की मन चाहे जहां चला जाऊं, श्री हनुमान जी की राम दुहाई फिर से सुनिए चंदा बांधो सूरज बांधो बांधो गंगा माई तैतीस कोटि के देवता बांधो हनुमंत की राम दुहाई मरघट का मसान बांधो मन चाहे लड्डू खाऊं, पूजा करूँ गणेश की मन चाहे जहाँ चला जाऊँ श्री हनुमान जी की राम दुहाई अंतिम बार सुने चंदा बांधो सूरज बांधो बांधो गंगा माई तैतीस कोटि के देवता बांधो हनुमंत की राम दुहाई मरघट का मसान बांधो मन कर चाहे लड्डू खाऊं पूजा करूं गणेश की मन चाहे जहां चला जाऊं श्री हनुमान जी की राम दुहाई तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं तो आपका हवन भी साथ में संपूर्ण होता जाता है और 108 जाप हवन का मतलब क्या होता है इन टू टेन कर दीजिए तो पर डे जो है आप एक हज़ार अस्सी यानी दस माला जाप का आपको हर रोज़ फल मिलता है तो एग्जैक्ट आपको सात दिन तक इस प्रक्रिया को करना है इसके बाद हवन नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में जब भी करेंगे जाप करेंगे कमज़ोरी लगे मन की डर लगे भय लगे कुछ भी लगे लगे कि विपदा आ रही है तो बस एक माला इसका जाप कर लेना कभी भी गलती से भी आप इस मंत्र का हवन फिर नहीं करेंगे और नींबू काट के उतारा करेंगे जैसा आपको सिखाया है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जब आप नींबू का प्रयोग करते हैं बहुत लोगों को नींबू का प्रयोग नहीं पता है ठीक है तो सड़ा गला नींबू अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो वर्जित होता है वो काम नहीं करता है इसीलिए जब भी नींबू का प्रयोग करेंगे बिल्कुल ही स्वस्थ साफ़ सुथरा नींबू आप करेंगे आज के लिए इतना ही इस मंत्र को करना का, काफ़ी आसान है और गृहस्थों को काफ़ी लाभ देने वाला ये मंत्र है ये मंत्र मैंने पहले भी लोगों को दिया है और सबको लाभ हुआ है तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस मंत्र को सिद्ध करके अपने पास रख लें जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव से जुड़ सकते हैं इसमें मैं साधना का जो शुरुआती आयाम है वो बताता हूँ जैसे मंत्र आसन बंधन दिशा बंधन शरीर बंधन हाँ यंत्र बनाना तंत्र थोड़ा बहुत चलाना आ, काली जी की पूजा भगवती की पूजा भैरव जी की पूजा ये हम आपको सिखाते हैं डब्ल्यू 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 डॉट अगर तक पर मेरा आगामी कार्यक्रम और लिख पढ़ सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फॉर आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान भैरव आप सभी को आशीर्वाद दें ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश